अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। आपके साथ मोस्ट इंटरेस्टिंग अपडेट से शेयर करने जा रहा हूं। पहले कोहली, उसके बाद धोनी और अब क्रिस गेल और रोहित शर्मा को भी मुगले आजम, किंग ऑफ बाबर आजम ने जनाब पीछे छोड़ दिया। और ये खूबसूरती है बाबर आजम के कि बाबर आजम को रनजों की भूख है, रिकॉर्ड्स की भूख है। यानी कि बाबर आजम के सामने जो एक बार रिकॉर्ड सामने आ गए बाबर के, बाबर उस रिकॉर्ड को तोड़कर ही दम लेता है और उस बात में कोई दो राय नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली के बाबर आजम ने कई रिकॉर्ड तोड़े। एमएस धोनी से हाइएस्ट विन का रिकॉर्ड जो वो छीने बाबर आजम ने, और इसके अलावा रोहित शर्मा से ज्यादा कप्तानी के अंदर सेंचुरियां मारने का रिकॉर्ड भी छीन लिया है। रोहित शर्मा की ऐसे कैप्टन 2 सेंचुरियां थी T20 इंटरनेशनल के अंदर। तो बाबर आजम ने तीसरी सेंचुरी लगाकर रोहित शर्मा से यह रिकॉर्ड छीन लिया और बाबर आजम अब ऐसे कैप्टन सबसे ज्यादा 100 लगाने वाले कप्तान हैं और ये बाबर आजम के लिए बहुत बड़ा एजाज है। और क्रिस गेल के बाद बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के अंदर ऐसा बल्लेबाज है जिसकी 9 सेंचुरियां हैं T20 के अंदर। क्रिस गेल की 22 हैं, बहुत ज्यादा लग रही हैं, लेकिन बाबर गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा एक दिन, आपने देख लेना है। और बाबर आजम की 900 है, यानी कि सबसे जो सेकंड नंबर, यानी सबसे ज्यादा क्रिस गेल के, तो दूसरे नंबर पे बाबर आजम के मोस्ट 100 हैं। तो ये बाबर आजम के लिए एक और बड़ी अचीवमेंट है। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल